जिस समय संबर नाम का एक राक्षस अयोध्या में युद्ध करने आया था, उस समय राजा दशरथ युद्ध करने के लिए गया हुआ था। शंबर और राजा दशरथ के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, 17 दिनों तक युद्ध चला। कितने दिन तक बोलो ना? राजा दशरथ और शंबर नाम के राक्षस के बीच में 17 दिनों तक युद्ध चला है। वैजयंत नगर के राजा थे शंबर। आज वैजयंत नगर और अयोध्या नगर दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया है। तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावत। कौशल्या पारंगत नहीं थी, सुमित्रा तो बहुत सरल थी, पर किंकई बचपन से ही बहुत चतुर थी, तो उनको धनुष चलाना आता था। और सुनो, तलवारबाजी में वो पुरुषों से ज्यादा प्रवीण थी। किंकई को सारी शस्त्र आती थी चलाना, वो धनुष चला लेती थी, वो तलवार चला लेती थी, भाला फेंकने में माहिर थी। कौन? किंकई। इसी पौरुष को देख करके तो राजा दशरथ उन पर पिघले थे। इसी पौरुष को देख करके राजा दशरथ आखेट खेलने गए थे, तब राजा दशरथ के प्राण की रक्षा करी थी कहीं कहीं नहीं, तभी से मोहित हो गया, शादी कर लिया उनसे। जंगल में दशरथ ने किंकई से शादी करी थी। आज फिर वही अवसर आ गया। राजा दशरथ संयोग से उस दिन किंकई भी उनके साथ में गई थी। 17 दिन हो गए लड़ते लड़ते, लेकिन राजा दशरथ अब तक शंबर नाम के राक्षस को हरा नहीं पाया। आज शंबर ने एक बाण निकाल दिया और राजा दशरथ के ऊपर संधान कर दिया। सुनो, राजा दशरथ को लगा ये बाण मेरी ओर आ रहा है। राजा दशरथ नीचे बैठ गए, और जैसे ही राजा दशरथ नीचे बैठे, शंबर का बाण दशरथ के रथ के चक्के में जा लगा, और चक्के में जो धुरी होती है ना, धुरी जानते हो? रथ के चक्के में पहिए में धुरी होती है। आप लोग क्या बोलते हैं? खीला, उसे हम धुरी बोलते हैं। जैसे शंबर का बाण राजा दशरथ के रथ के चक्के पर लगाए हैं, धुरी टूट गई, पहिया चक्का गिरने लगा। अब दशरथ युद्ध करे, रथ संभाले, बड़ी दुविधा हो गई। अब मैं क्या करूं, दशरथ को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन इसी बीच किंकई ने अपनी उंगली, ध्यान रखना मेरे श्रोताओं, मैं जोड़ रहा हूं, देखो मैं जोड़ रहा हूं वहां से आपको, कहां से, जहां से किंकई को श्राप लगा था, तेरी उंगली लोहे की हो जाए, और किंकई ने उसी लोहे की उंगली को रथ की धुरी में डाल दिया, प्यारी चक्के की धुरी में डाल दिया, चक्के की धुरी में डाल दिया। यह रहस्य जाना नहीं कोई, लेकिन इस कथा को कोई तुमको नहीं बताने वाला। ऐसी रहस्य में कथाओं को ना सब नहीं बताएंगे, याद तो रखोगे। राम कथा करने नवीन नवीन आया था, कथा करके तो कोई भी चला जाएगा। राम कथा कितनों ने करी, पर तुलसी सी मर जात कहा है। नरसिंह बसे हर खंभन में, पर प्रगटे को प्रहलाद कहा है, प्रगटे को प्रहलाद कहा है, प्रगटे को प्रहलाद। आज किंकई ने अपनी उंगली डाली थी, वह उंगली जो लोहे की थी। मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मेहमाना। संतों का श्राप भी आशीर्वाद बदल जाता है। उस समय श्राप दिया लोहे की हो जाए, और वही लोहे की उंगली आज दशरथ के प्राण की रक्षा कर गई। प्यारे दशरथ के प्राण की रक्षा कर गई। शंबर नाम के असुर का वध हुआ, दशरथ
वचन दे दिया, वचन दे दिया। किंकई तुमने दो बार मेरे प्राण की रक्षा करी है, मैं तुझे दो वरदान दूंगा, मांग ले। वचन दिया सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सीख, बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। वचन दे दिया दो वरदान देने का, दुई वरदान भूप संस्थाती, मांगहु आज जुड़ावो उछाती। जा अपने वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगू? सुत ही राज, अपने सुत के लिए राज्य मांग ले, और राम बनवासु, राम के लिए बनवास मांग। ये दो वरदान मांग ले। किंकई ने वैसा ही किया, वस्त्र उतार दिए, श्रृंगार उतार दी, मैंने कुचली साड़ी पहन ली, बाल बिखरा दिया और कोप भवन में पहुंच गई। शाम का समय था और दशरथ शाम के समय किंकई के महल में पहुंची। किंकई को ना पाया तो दशरथ को भवन में पहुंचा है और बाबा तुलसी दोहा लिखते हैं। कोप भवन सुनी साज समय सानन रिप, गयो कैकेयी के गवनो निठुरता निकट के, जन धरि देह सरे। कोप भवन सुनि सक छे ओराओ, भवन सुनि सक छे ओराओ, हे बस अब हुण करई न पाओ, हे बस अब हुण करई न पाओ, सुरपति बसई बाह बल जाके, सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहे रुखताके, नरपति सकल रहे रुखताके, सभय नरेश प्रिया पग गयो, सभय नरेश प्रिया